नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। और ये वीडियो है हिस्ट्री जीके क्वेश्चन सीरीज की वीडियो नंबर 12। यदि आपने पहले 11 वीडियो नहीं देखी है तो आप जो प्लेलिस्ट है हिस्ट्री जीके क्वेश्चंस के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाकर वे सभी वीडियो देख सकते हो, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं वे कम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। यदि आप किसी सरकारी नौकरी या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों अनअकैडमी पर मैंने बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज अपलोड की हुई है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। इसके चार ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महमूद गजनी किस वंश का था। ए यामिनी, बी तुगलक, सी गुलाम या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो महमूद गजनवी था वो यामिनी वंश का था। ए इसका जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सुनने की खोज किसने की। आप सभी को पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सुनने की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो जो राइट ऑप्शन है वो है बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, विक्रमशिला या फिर ये सभी। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो वो था ए कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। ए भास्कर, बी मेगास्तनीज, सी वसुमित्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, मेगास्तनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है समुद्रगुप्त, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो इसका आंसर है वो है हर्षवर्धन। ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। ए प्रयाग में, बी वाराणसी में, सी मथुरा में, डी पेशावर में। तो इसका सही आंसर है ए, प्रयाग में हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का कि मिहिर कुल का संबंध किससे है। हूण से है, कुषाण से है, ये वंश है दोस्तों हूण वंश से है, कुषाण वंश से है या फिर मोखरी वंश से है या फिर गुप्त वंश से है। तो इसका सही आंसर है वो है हूण वंश से मिहिर कुल का संबंध है था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे। ए कनिष्क के, बी कुमारगुप्त के, सी हर्षवर्धन के, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, हर्षवर्धन, यानी कि जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट हिस्ट्री जीके के क्वेश्चंस बताए। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते थे, कितने आपने नए सीखे हैं कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना है। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना है। और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज पाने के लिए आपने जीके गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।